नमस्कार, आप देख रहे हैं लिजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। क्षेत्र की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए रामानंद आश्रम बीनागंज से हजारों भक्तों के साथ आज लक्ष्मण सिंह एवं राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने राजस्थान झालावाड़ा के प्रसिद्ध स्थान कामखेड़ा बालाजी के लिए पदयात्रा आरंभ की। रामानंद आश्रम के हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद पदयात्रा शुभारंभ की गई। नगर में जगह जगह पदयात्रियों का फल फूलों के स्वागत किया गया। साथ ही दोनों कांग्रेसी नेताओं को पगड़ी बांध कर नगर की जनता ने आभार एवं सम्मान व्यक्त किया। नगर के बस स्टैंड पर स्वर्गीय राजीव गांधी की मूर्ति पर दोनों नेताओं ने माल्यार्पण कर आगे की यात्रा प्रारंभ की। चाचोड़ा में छान बालाजी बागेश्वर धाम पर भी पदयात्रियों का स्वागत किया गया। यह यात्रा लगभग 50 किलोमीटर की है। इस धार्मिक यात्रा का रात्रि विश्राम राजस्थान के मनोरथाना में होगा। मंगलवार को प्रातः यात्रा श्री कामखेड़ा बालाजी दरबार पहुंचेगी। जैसे सब लोग कामखेड़ा जाते हैं बालाजी के दरबार में, वैसे हम लोग भी जा रहे हैं और बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि अच्छी वर्षा हो, अच्छी फसल हो और सभी जनजीवन सुखी रहे। लगभग कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा रहेगी और कितने लोग आपके साथ में जा रहे हैं? देखिए, लगभग 50-55 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। कभी जावर में अभी पता नहीं हमको कितना पानी उसमें है, अगर उसमें ज़्यादा पानी होगा तो 4-5 किलोमीटर थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन हम जाएंगे। सब मनोबल सबका ऊंचा है और बहुत सारे हजारों की संख्या में श्रद्धालु हमारे साथ चल रहे हैं।
सर ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि चाचोड़ा विधानसभा से इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। बोलो बालाजी महाराज। बीनागंज से हमारे सहयोगी शिव नामदेव की रिपोर्ट। सावन के अंतिम सोमवार को आज सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सभी भोले बाबा को मनाने एवं रिझाने में लगे हुए थे। सावन के सोमवार पर भोले बाबा को जल एवं बिलपत्र चढ़ाने पर वे जल्दी खुश हो जाते हैं तथा अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। अंतिम सोमवार होने के चलते सभी शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। कई मंदिरों में तो भोले का अभिषेक भी होता देखा गया। सुबह से हो रही भारी बारिश के चलते शहर में अधिकतर सड़कें जलमग्न हो गई। वह कई जगहों पर तो नालियों का पानी सड़कों पर ही आ गया। आलम तो यह रहा कि सदर बाजार, नई सड़क, लक्ष्मीगंज आदि कई स्थानों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी आ जाने से आवागमन तो बाधित हुआ ही, साथ ही तेज बारिश के चलते बाजार भी सुस्त रहा। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आज कांग्रेस जन एकत्रित हुए और अपने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। राजीव गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में सोमनाथ चटर्जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया। साथ ही उन्हें याद करते हुए बताया गया कि किस तरह से उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में एवं आईटी क्षेत्र में कार्य किया है। वहीं उनकी कही हुई बातों पर अनुसरण करने की बात भी कही। स्वर्गीय राजीव जी की जयंती आज जिला कांग्रेस और संपूर्ण कांग्रेस परिवार के तत्वाधान में मनाई गई। इस दौरान आईटी क्षेत्र में जो क्रांति स्वर्गीय राजीव जी लाए थे और जिसके कारण विश्व और देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, उसके लिए उनका विशेष करके स्मरण किया गया। और साथ ही इस बात का भी स्मरण किया गया कि राजीव जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए जिस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति इस राष्ट्र की खातिर
देते हुए अपने माँ और अपने पूर्वजों का अनुसरण किया। आज की तारीख में उनके विचारों की प्रासंगिकता इसलिए देश में अधिक है कि वे जिस विचारधारा से लड़ते हुए स्वयं का जीवन समर्पित किया, आज उस विचारधारा को कमजोर करके सर्वधर्म सर्वभाव की जो विचारधारा हो उसको देश में कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए सब लोगों ने समर्पित होने का संकल्प लिया। क्योंकि हम सबका ये मानना है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब देश में सर्वधर्म और सर्वभाव का। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम के अंत में हमने स्वर्गीय राजीव जी के साथ ही केरल में जो त्रासदायक घटना हुई है, सोमनाथ चटर्जी जी को और अटल जी को, इन सबके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका भी आज अंत में स्मरण किया। यातायात चौकी के सामने दो गाड़ियों में हुई भिड़ंत, दोनों ही चालकों पर की गई कार्यवाही। जयस्तम चौराहे से यातायात चौकी के सामने दो बाइक सवार आपस में भिड़ गए, जिस पर यातायात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पर ही मामला दर्ज कर लिया। इसके चलते हालांकि काफी देर तक जाम की स्थिति भी बनी रही, जिसके चलते रोड पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसे यातायात पुलिस द्वारा मुस्तैदी से ट्रैफिक जाम को खुलवाया गया। भारी बारिश के चलते आज सब्जी मंडी में पानी भर गया एवं निकासी न होने के चलते दुकानदार एवं खरीदार होते रहे परेशान। नगरपालिका द्वारा लक्ष्मीगंज स्थित सब्जी मंडी में नवीन दुकानों का निर्माण कार्य तो कराया गया, लेकिन पानी की निकासी की कोई व्यवस्था यहां नहीं की गई, जिसके चलते मंडी प्रांगण में आज पानी भर गया। यहां से दुकानदारों के अनुसार उन्होंने कई बार निकासी की बात नगरपालिका के अधिकारियों से भी कही, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पानी की निकासी का कोई उपचार नहीं किया गया। हालांकि यहां नालियां तो बनी है, लेकिन वहां बनाने वाले ठेकेदार ने उसे इस अंदाज से बनाया है कि नालियों का पानी नाली में ही जमकर रह जाएगा, जिससे आगे उसकी निकासी नहीं हो सकती। देखो कितने दो दिन तक भरा रहता है, दुकानदार उपाड़ी ना कर, ना पानी निकलने की चिंता है ना कुछ है, या तो बहुत परेशान होते हैं, पानी निकलता नहीं है बिल्कुल, क्या करिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, दुकानें तक इतनी डूब रही है, कार्रवाई नहीं होती है, वो सुन ही नहीं रहे। टोल टैक्स के पास मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश, पुलिस कर रही है उक्त व्यक्ति की शिनाख्त। कैंट थाना को सूचना मिली कि टोल नाके के नजदीक एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके चलते कैंट थाना की टीम मौके पर पहुंची, जहां युवक की पहचान करने की कोशिश की गई। युवक की लाश को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है।
सागर में अचानक छत पर लगे लोहे की चादर को चीरती हुई गोली घर में घुस गई, जिससे निवास कर रहे लोग सकते में आ गए। हालांकि 24 घंटे के ऊपर बीत जाने के बाद भी यह पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर ये गोली किसने चलाई और इस घर में कैसे आई। यादव परिवार के अनुसार उनकी घर की छत पे टीन की चादर में छेद करती हुई 315 बोर की बंदूक की गोली घर में घुस गई, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दे दी थी। वहीं पुलिस अधिकारी कल दिन भर इसी कश्मकश में लगे रहे कि आखिर गोली आई तो कहां से, क्योंकि किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी थी। जब इस गोली को पुलिस ने कब्जे में लिया तब तक इस गोली को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था, साथ ही गोली बिल्कुल साबुत मिली। विशेषज्ञों की माने तो हो सकता है ये गोली किसी ने हवा में चलाई हो, उसी के चलते ये घर में आ गई। वहीं विशेषज्ञ बताते हैं कि 315 बोर की बंदूक से चली गोली 2 से 3 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है हवाई फायर किया गया हो, जिससे गोली इस परिवार की छत पर आ गई। पुलिस वाले ले गए साहब, जो बताया गांव वाले पंचनामा बना के दे देंगे तो पुलिस प्रशासन चालू हो जाएगा, राउंड लगाते रहेंगे, तुम्हारे गांव की सुरक्षा बनी रहेगी। अब गांव वाले जाने, गांव वाले से हमने बोल दिया, हम कोई पंच सरपंच है नहीं, अब मेंबर सरपंच बनाएंगे तो दे देंगे। यहाँ पे 315 को राउंड आके लगे। कितने बजे की घटना है? 10 बजे की, सुबह 10 बजे की। हाँ, कोई जानकारी नहीं, हम तो इधर रहते, चद्दर में आवाज आई, हम लौट के देखो, हमें कश नहीं दिखा, हमें शाम दिखा, फिर इसके बाद में हमने तो देखो राउंड टू पड़ो मिलो। अच्छा, तो मैंने 100 नंबर लगाओ पर फोन, फिर तो पुलिस आई 11 से 12 बजे का राउंड टू ले पुलिस वाले, वो आई होगी 11 के बाद में आई थी, 12-1 बजे के बाद। कोई तो हमें मालूम नहीं किधर से आई, किधर से आवाज तो इधर भाई। म्याना में विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। म्याना में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ लगातार 8वीं बार कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। कावड़िया रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे एवं सोमवार को केदारनाथ धाम से जल भरकर प्राचीन शिव मंदिर सदर बाजार म्याना पर जल अभिषेक कर इसको समापन किया गया। बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने हांडा दुगासरा में नीलकंठ मंदिर पर कावड़ियों का भव्य स्वागत किया। इसी के चलते पूर्व विधायक केएल अग्रवाल ने भी पटेल भवन सदर बाजार में कावड़ियों का स्वागत किया। वहीं ऑटो रिक्शा यूनियन कमेटी द्वारा म्याना चौराहे पर एवं कांग्रेस कमेटी द्वारा नई तरह तिराहे पर इस स्वागत किया गया। साथ ही ओएन शर्मा कमेटी के द्वारा चौराहे पर जगदम्बिका सेवा समिति ने पंचायत भवन के पास स्वागत किया। कावड़ियों का जत्था देख पुलिस ने मोर्चा संभाला, इसके साथ ही जगह जगह पर कांवड़ियों का स्वागत भी हुआ।
म्याना से हमारे सहयोगी सत्यन तिवारी की रिपोर्ट। मधुसूदनगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी शिवजी की यात्रा मधुसूदनगढ़ से बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। शिवजी की यात्रा का शुभारंभ गुना रोड शिव मंदिर से किया गया, जो कि सदर बाजार होते हुए मधुसूदनगढ़ के मुख्य चौराहे से गुजरकर भोपाल रोड बगीचा मंदिर पहुंची, जहां लोगों ने प्रसादी ग्रहण किया। शिव की यात्रा में बड़ी संख्या में मधुसूदनगढ़ के लोग उपस्थित रहे। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य महिला सखी आयोग के बैनर तले आज स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिक एवं राज्य महिला आयोग के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा रखी है, जिसमें सभी हमारे इष्ट मित्र, हमारी संगनी सखियां, गुना के नागरिक सभी श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री वास्तविकता में जिसको कहेंगे कि भारत रत्न, अटल जी अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जी को विनम्र हमारी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को निकलने वाली बाबा की पालकी आज शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गुजरी। इस यात्रा का शुभारंभ जाटपुरा से होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया, साथ ही जाटपुरा वापस पहुंची। पालकी यात्रा में भगवान शिव के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं पालकी के आगे नाचते थिरकते भी नजर आए। पालकी यात्रा का जगह जगह पर स्वागत भी किया गया। बता दें कि हर वर्ष सावन के प्रत्येक सोमवार को बाबा भोलेनाथ शहर का भ्रमण करते हैं। विजयाना में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।